नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। चुनाव के समय लंबे लंबे वादे करने वाले पार्षद अब अपनी राजनीति और ठेकेदारी में व्यस्त हो गए हैं। जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। रातों रात डस्ट डलवा कर वोट मांगने वाले पार्षद अब वार्ड की राजनीति छोड़कर जिला, प्रदेश और देश की बात करने लगे हैं। ताजा मामला रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 10 का है, जहां के रहवासी नाली न होने के चलते हो रहे जल भराव और फैल रही बीमारियों से त्रस्त है। इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन से लेकर नगर निगम तक की गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस वार्ड के पार्षद वीरेन पटेल भाजपा से बताए जाते हैं, जो परिषद अध्यक्ष भी हैं, लेकिन वार्ड की समस्याओं को सुनने के लिए उनका ध्यान नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वार्ड 10 में श्रीयुत नगर में पार्षद के द्वारा भेदभाव किया जाता है। आपको बता दें कि महानगर बनाने का सपना दिखाने वाले नेता अब अपनी तिजोरी भरने में व्यस्त है और जनता समस्याओं से जूझ रही है। आइए दिखाते हैं वार्ड नंबर 10 का हाल और सुनाते हैं स्थानीय लोगों ने किस तरह से अपनी समस्याएं बताई हैं। समस्या है जो है नाली का समस्या है। नाली जो है बंद है इधर, तो क्या है पूरे प्लाट में पानी भर रहा है, जिससे जो है तो मच्छर वो होते हैं, बीमारी वो हो रही है। नालियां तो बनी हैं यहाँ पे घर के आसपास। जी, नालियां बनी हैं, लेकिन नाली को बंद किया गया है। इधर जो है कुछ लोगों ने यहाँ मिट्टी डाल के पुल यहाँ बंद कर दिए हैं। इधर से पानी इधर जाता था आपके, तो ये भी बंद हो गया है। और ये जो नाली दिख रही है आपको, सीधे ही निकलती है, इसमें भी आगे वहाँ पर मिट्टी डाल के इसको भी बंद कर दिया है, जिससे जो है सारे प्लाटों में जो है इसमें पानी भर रहा है। कब से भरा हुआ पानी, कितने दिनों से? ये करीब एक महीना डेढ़ महीना हो गया है सर, डेढ़ महीना हो गया बंद है। इसके पहले जो है तो यहीं से निकलता था पानी हमेशा जो है, तो अभी कुछ लोगों ने बताया कि मोहल्ले में बंद कर दिए हैं। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 10 का है। इसकी आपने शिकायत वगैरह? हाँ, इसकी हमने कई बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है, 2-3 बार, लेकिन नगर निगम के जो कर्मचारी हैं तो काम नहीं करना चाहते। बोलते हैं कि आप सीएम हेल्पलाइन बंद करा दीजिए और आपका ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो 2 बार तो हमने बंद करा दी है, लेकिन इस बार हमने नहीं बंद करी है, जो लेवल 3 पे चली गई है। अभी यहाँ के पार्षद भी होंगे तो उनको, पार्षद जी तो जो है एकदम गैर जिम्मेदार आना उनका वो रहता है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। वो व्यक्तिगत जिससे परिचित हैं उसका काम नहीं करते हैं, और जिससे परिचित नहीं, जैसे हम लोगों को वोटर नहीं है, हम लोगों को वोट नहीं है यहाँ, तो हम लोग के उसमें जो नहीं ध्यान देते हैं। जो इनको वोटर होते हैं उसी को बस ध्यान देते हैं। वो नेता खाली नेतागिरी से उनसे मतलब, नाली से कोई मतलब नहीं। नाली से कितने लोग परेशान हैं? नाली से जो है लगभग सभी लोग परेशान होंगे। बाढ़ के जितने लोग यहाँ होंगे 150 घर, सभी को पानी यहाँ आके मिलता है। इधर सीधे नाली आके मिलता है, वो नाली भी मिलता है, तो काफ़ी लोगों का जो है समस्या है। मेरा नाम दिलीप द्विवेदी है। क्या समस्या है आपके? समस्या ये है कि गंदा पानी ये करीब 6-7 महीने से, जब से बरसात हुई है तब से भरा हुआ है यहाँ पे, और लगातार मच्छर और अनेकों प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं, और जिसमें शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। कितने दिनों से ये पानी यहाँ पे भरा हुआ है? ये करीब 6 महीने से ऊपर हो गया भैया। इसकी शिकायत भी आप लोगों ने किया है? हाँ, शिकायत आप लोगों ने, भाई साहब लोगों ने किया है, मैंने तो नहीं किया था। जिस पर पार्षद वगैरह ध्यान नहीं देते क्या? हाँ, अब शासन प्रशासन का किसी को कोई भी ध्यान नहीं है यहाँ पे, नहीं तो अगर ध्यान होता तो काहे के लिए पानी भरा रहता। तालाब की तरह पूरा तालाब की तरह भरा, पूरा भैंस डूब जाए इसमें अगर घुस जाए तो। कौन सा वार्ड है ये? ये वार्ड क्रमांक 10 है। पार्षद जी कौन है? पार्षद जी का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। जी जी, इस नालियों से कितने लोग परेशान हैं? इस नाली से पूरा ये मोहल्ला परेशान है, पूरा मोहल्ला। हाँ, नाली बनी है फिर भी उसके बावजूद इतना पानी भरा हुआ है। हाँ, काफ़ी पानी भरा, क्योंकि कई जगह से ये क्या है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है ना, इसकी वजह से। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड क्रमांक 10। कौन सा मोहल्ला ये? तो श्रीयुत नगर बोलते हैं इसको।